हे गाइस, तो बात है कि मैंने हाल ही में जस्ट इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग किया और थोड़ा बहुत मैंने करीबन टेस्ट किया थोड़ा बहुत. ओके, सो मैं इसके बारे में, इस फ़ोन के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप सब पूछेंगे कि ये फ़ोन मैंने क्यों बाय किया, ये भी तो जस्ट इंडिया का ब्रांड है. ओके, तो बात एक क्वेश्चन आती है कि इस फ़ोन को ही मैंने क्यों बजट किया. तो जस्ट आई वॉन्ट टू सी यू दैट व्हाट्स माई ओपिनियन. ओके, लेट्स सी. बात है कि मैं एक फ़ोन सर्च कर रहा था जो 10,000 के अंदर हो और वो 5G हो. सो मैंने बहुत सारे फ़ोन को रिसर्च किया. वहाँ पर इन्फिनिक्स आ रहे थे, नार्जो का जो रियलमी का सीरीज़ है नार्जो का वो आ रहे थे, और थोड़ा बहुत कुछ फ़ोन आ रहे थे जो 4G में ही अवेलेबल था, 5G तो थी नहीं 10,000 के अंदर. तो मैंने प्राइस को थोड़ा ज़्यादा किया, तो प्राइस को थोड़ा ज़्यादा करके भी 5G जो है वो करीबन 12,000 को क्रॉस कर रहा था. पोको का भी एक फ़ोन था, ओके, 5G जो करीबन 11,000 में आ रहा था, बट मैंने इस फ़ोन को ही मैंने चूज़ किया. हाँ, मैंने फ़ोन को बहुत देखा गौर तरीके से और मेरे सामने ये वाला फ़ोन आया लावा का. ओके, तो अमेज़न में ये फ़ोन जो है वो अवेलेबल था, फ्लिपकार्ट में तो वो नहीं था. तो मैंने ठीक से चेक किया, बहुत सारे रिव्यूज़ देखा यूट्यूब के अंदर, इसका कैमरा क्वालिटी वगैरह या फिर इसका परफॉर्मेंस टेस्ट देखा 5G का. तो मैंने सारे जो वीडियोस देखा या फिर मेरा एक कॉमन सेंस लगाया, तो उसके बाद ही मैंने इस फ़ोन को ही चूज़ किया. तो मैंने जब इस फ़ोन को चूज़ किया तो बस इस चीज़ का मैंने ध्यान रखा कि मेरा जो स्टोरेज है वो ज़्यादा होना चाहिए और ये 5G होना चाहिए. ओके, और मेरा बजट भी कम था, तो मैंने 11,000 के अंदर इस फ़ोन को ही मैंने परफेक्ट देखा. और मुझको नहीं लगता कि अभी मतलब अभी तो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आई डोंट थिंक विदाउट ऑफ़र इसके अंदर, मतलब 11,000 के अंदर या फिर 11,000 में इससे अच्छा फ़ोन मिलेगा. फ़ोन बाय करने का रीज़न तो मैंने बता दिया. अब मैं इसके जो मेरा जब फर्स्ट इंप्रेशन है, मतलब अनबॉक्सिंग करने के बाद, थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद, इसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ. मैंने टेस्ट किया थोड़ा बहुत इसका कैमरा वगैरह, डिस्प्ले वगैरह, इसका रिफ्रेश रेट, स्क्रीन, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बात करूँगा. ओके, क्विकली. तो बात है कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है मुझको ये बहुत अच्छा लगा. आप देख सकते हैं इसका जो बैक ग्लास है ना, मतलब ये जो बैक डिज़ाइन है ग्लास है, ये बहुत स्मूथ है. और लावा का जो ब्रांडिंग है वो भी बहुत ठीक ठाक ही है, बहुत सुंदर है. और इसका कैमरा सेटअप मुझको ठीक ठाक लगा. और बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है. मतलब कोई इसके बारे बिल्ड क्वालिटी के बारे में आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते. ओके, एकदम परफेक्ट बनाया लावा ने. तो उसके बाद, इसके बाद मैं इसके डिस्प्ले के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. तो आप इसका डिस्प्ले जो है ये HD डिस्प्ले है, HD+. ओके, मतलब फुल HD डिस्प्ले नहीं है और AMOLED तो है ही नहीं. ओके, तो HD+ जो डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले एकदम ठीक ठाक है. मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं, ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक है मतलब. और इसके बारे में एक और मैं बताना चाहता हूँ, जो मतलब डिस्क्रिप्शन में भी शायद मतलब मेंशन नहीं है, कि इसका जो डिस्प्ले है वो 90Hz में चल सकते हैं. आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं आराम से. मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले, ये रहा 90Hz का जो डिस्प्ले है यहाँ पर, ये शो कर रहा है. और 60Hz में भी आप इसको सेव पावर मोड में भी आप कर सकते हैं. और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ जो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक स्टॉक एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है और इसमें एकदम मतलब मक्खन है यार. यहाँ पर कुछ ब्लॉटवेयर, स्मॉलवेयर, एड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, बस स्टॉक एंड्रॉयड का जो ऐप्स होता है एंड्रॉयड का वही ऐप है. ओके, तो एक अच्छी बात है कि इस प्राइस पॉइंट में भी हमको स्टॉक एंड्रॉयड लाभा से मिल रहा है और बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया है. देन टॉक अबाउट द कैमरा. ओके, तो कैमरा के बारे में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ. मुझका इसका जो हार्डवेयर वाला पार्ट है कैमरा का, इसमें थोड़ा सा मुझको लाभा से मतलब एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं, रिक्वेस्ट है कि ऐसा कैमरा सेटअप मत कीजिए यार. मतलब मैंने यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत देखा कि रिसर्च करके, कि ये वाला जो थर्ड वाला जो कैमरा है ना, वो किसी का काम का ही नहीं है. मतलब माइक्रोसॉफ्ट में भी ये यूज़ नहीं हो रहा है, और क्या बताऊँ, इसका जो डेप्थ सेंसिंग में भी इसका यूज़ नहीं हो रहा है. मतलब ये थर्ड जो कैमरा है ना, मतलब बेकार है शायद, क्या पता क्या है, मतलब इस कुछ काम का ही नहीं है शायद. तो लाभा को ऐसा करना चाहिए कि इसको दो कैमरा का यूपी ही काम करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट के अंदर. अगर आप ज़्यादा प्राइस में जा रहे हैं तो अल्ट्रा वाइड दे दो, ठीक वाला तो ठीक है, वरना इसमें अगर दो कैमरा होता ना और ये वाला नहीं होता, तो मुझको लगता, मुझको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. देख सकते हैं इसमें बहुत सुंदर भी लगता है ये जो सेट है. और ये तीनों कैमरा के बगैर अगर एक ही दो ही कैमरा यूज़ करते और तो इसका खर्चा बचा के इस दोनों में इन्वेस्ट करते, तो ज़्यादा कैमरा का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता. तो इसका मैं पिक्चर क्वालिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ. इसका पिक्चर क्वालिटी जो है वो एकदम ठीक ठाक है. सेल्फी तो मुझको अच्छा ही लगा, और बैक का जो कैमरा है वो भी मुझको अच्छा ही लगा. और बात है कि
इसका जो फोकसिंग है ना, फोकस जो करता है वीडियो क्वालिटी के अंदर, फोकस जो करता है वो थोड़ा लैक है इस पे, मतलब इसमें थोड़ा काम करना चाहिए शायद। ओके, कम करना पड़ेगा शायद, नहीं पड़ेगा लावा को। इसका जो मतलब जूम टूम वगैरह मतलब फोकस में आता है ना सब चीज़, तो वो फोकस थोड़ा ज़्यादा लेट कर देता है, मैंने नोटिस किया। और इसका ब्राइटनेस भी मेंटेन नहीं कर पा रहा ठीक ठाक से, अगर मैं लाइट से डीप एरिया में जाऊँ तो वो ठीक ठाक नहीं कंट्रोल कर पा रहा। तो इसके अलावा ये जो सेट है ओवरऑल बहुत ही ठीक है, मुझको बहुत अच्छा लगा। इसका कैमरा भी ठीक ठाक ही लगा, और इस प्राइस पॉइंट के अंदर अगर आपको 5G फ़ोन दे रहा है तो कैमरा वगैरह तो ठीक ही होगा, और प्रोसेसर तो एकदम ठीक ठाक है। और इसको बाय करने का मेरा और एक रीज़न था, इसका 128GB वेरियंट, मतलब इस प्राइस पॉइंट के अंदर 128GB मतलब बहुत बढ़िया मतलब हैंडसेट हो जाता है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस अबाउट दिस फ़ोन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।